वहीं भारतीय किसान संगठनों ने सूरजमुखी के बीज पर निर्धारित 6,400 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान इस प्रदर्शन को और गति देने के लिए अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मैदान में कूद पड़े हैं। इस प्रदर्शन में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का हक दे दिया जाए, प्रदर्शन को समाप्त कर दिया जाएगा। आखिर क्यों एमएसपी को लेकर घमासान मचा हुआ है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय किसान संगठनों ने सूरजमुखी के बीज पर निर्धारित 6,400 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को और गति देने के लिए अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मैदान में कूद पड़े हैं। इस प्रदर्शन में राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों का हक दे दिया जाए, प्रदर्शन को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही राकेश टिकैत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सूरजमुखी बीज की खरीद करे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि 6,400 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी की व्यापक बढ़ोतरी के बावजूद वो इसे अपर्याप्त मानती है और उचित मूल्य की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादकों के बीच के आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए अधिक मूल्य निर्धारित किया जाए। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार को सोमवार तक का समय दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों द्वारा राजमार्ग जाम किए जाने के बाद पुलिस को यातायात को अन्य मार्गों और संपर्क मार्गों के लिए मोड़ना पड़ा। जिस जगह पर किसानों ने राजमार्ग जाम किया था उसके पास भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन राकेश टिकैत का आरोप है कि अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो प्रदर्शन को रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते गए। हाईवे पे भाई इन किसानों की बात मान लो, हाईवे पे ही तो लाठी मारी थी, उन्हें छोड़ दो किसानों को, इनसे बातचीत शुरू कर लो, एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो, दो ही तो सवाल है। अब भाई पुलिस ने रोके क्यों नहीं, भाई पुलिस रोक लेती है, ये तो वहीं बैठ जाते जहाँ पुलिस रोक दी। अब यह पुलिस ने रास्ता दिया, खोल गए लगे नहीं आगे चले जाओ, आगे चले जाओ, अब तो क्या करे, तो लगता है कि पुलिस अगर रोक, हाँ रोकती तो रुक जाते हम तो वहीं। आ जाए प्रशासन, ना होगा कोई ना कोई बात करेगा, यहाँ की कमेटी से बात कर ले, नहीं वहाँ का एक अलग इशू है, लेकिन बता दिया कि वहाँ पे लोगों ने वो घेर लिया। सूरजमुखी 64 रुपए केजी के हिसाब से सरकार ने रेट घोषित किया, उस पर कम पे खरीद नहीं होनी चाहिए, ये इशू है, उस पर खरीद हो तो यही इशू है, और जो नेता बंद हैं उनको रिहाई करें किसानों ना, और पे भी नहीं मिल रही। कट्टर साहब से है भाई जिसकी जिसका रोड़ा है अपने को निमटा ले, अभी तो सूरजमुखी का है तो सूरजमुखी का निमटा ला, आगे आके देखी जाएगी, क्या पता कब तक बैठेंगे भाई, भूत का और लड़ाई का क्या पता कहाँ मिल जाए, कितनी देर में थोड़ा उतरे जाम कहाँ कर रहे हम तो बैठे, जाम तो हम करते ही नहीं ना, जाम तो नहीं करना चाहिए, जाम तो गलत चीज है करना। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरनास्थल से कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानती है हमारा विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे भावांतर भरपाई योजना में सूरजमुखी के बीज को शामिल करने के सरकार के कदम के खिलाफ हैं। इसके तहत सरकार एमएसपी से नीचे बेची गई उपज के लिए 1,000 रुपए प्रति क्विंटल का निश्चित मुआवजा देगी। उन्होंने मांग की है कि सूरजमुखी के बीज को एमएसपी पर खरीद की जाए। सूरजमुखी फसल की खरीद एमएसपी पर करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में पहलवान भी आ गई है। पहलवान बजरंग पुनिया ने किसानों के बीच पहुंचकर एमएसपी की मांग को उचित ठहराया है। अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम भी किसान परिवार से, हम भी जो किसान हमारे भाई खड़े हैं रोड पे, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए पहले भी जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी हम साथ खड़े थे और कहा है कि वो किसान के साथ कांधा से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे। क्या है एमएसपी विवाद? इस नए किसान आंदोलन की वजह 30 मई 2023 का एक फैसला है जिसके तहत सूरजमुखी को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया है। राज्य के कृषि विभाग ने सूरजमुखी बेचने वाले किसानों को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मदद करने का ऐलान किया हुआ है,
लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार इस योजना की आड़ में एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद बंद करना चाहती है। हरियाणा में सूरजमुखी की फसल का बाजार भाव 4000 से 4200 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा है, जबकि इसका एमएसपी 6400 रुपए है। ऐसे में भावांतर योजना के तहत 1000 रुपए प्रति क्विंटल की मदद के बावजूद किसानों को 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा हो सकता है। फिलहाल सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता अभी जारी है और उम्मीद है कि दोनों पक्ष संवाद से समाधान निकालेंगे और इस मामले में सहमति प्राप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV100।